मेरे प्यारे दोस्तों, और स्वागत है आप सबका आपके अपने काइट क्रेजी जोन पे। तो यार देखो, 15 अगस्त के बाद से ना यार मेरे को बड़ी चुल मची थी कि स्टॉक लेना है। इवन मेरे पास बहुत सारी पतंगे और मांझे हैं, बट यार मन मानता नहीं है कि नया नया स्टॉक लेने का मन करता ही रहता है। तो मैं बहुत टाइम से देख रहा था कि मैं कहाँ से लाऊँ। तो यार इस बार देखो, इस बार मैं एक ऐसी शॉप से लाया हूँ जो बहुत ही फेमस है पुरानी दिल्ली में। इवन पूरे दिल्ली में इनको सब लोग जानते हैं, और हमारे क्लब के एक सीनियर मेंबर जो हैं वो हमेशा इन्हीं से ही अपना सामान लेके आते थे, और उन्होंने रिकमेंड किया कि यार एक बार इनसे भी सामान लेके आओ। तो देखो, इसमें कोई शक की बात नहीं कि आप इनको ना जानते हो, बिल्कुल जानते होंगे। बिल्कुल, बहुत फेमस नाम है मुकेश भाई का पुरानी दिल्ली में। चूड़ी वालान में इनका अपना सेटअप है, और बहुत अच्छी अच्छी पतंगे, मांझे, सद्दी, चरखियाँ वगैरह सारी चीज़ें अवेलेबल रहती हैं इनके पास। और इनकी सबसे बड़ी बात क्या है, इनकी जो पतंगे हैं ना, ये सारी की सारी ब्रांडेड होती हैं। ब्रांडेड बोले तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी, खड्डा कमान इनके बहुत बढ़िया सिके हुए। और देखो, सारी की सारी मैं अजंता वाली लेके आया हूँ, और मेन चीज़ ये है कि सारी ब्रांडेड पतंगे होती हैं, तो थोड़ी सी कॉस्टली होती हैं। बट यार देखो, अगर आप पतंग उड़ा रहे हो ना, तो अच्छी पतंग उड़ानी चाहिए। अच्छी मतलब हर चीज़ में परफेक्ट पतंग है। जो मैं पतंगे लेके आया ना, ये पास के पेच, दूर के पेच, हर तरीके के पेचों में काम करने वाली पतंग है। तो अभी मैं इनको खोल के दिखाऊंगा। और ये एक लिया मैं मांझा, ये बहुत प्यारा मांझा है देखो। तो ये भी मैं खोल के दिखाऊंगा, दोनों का रिव्यू करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो ये मांझा मैं आपको खोल के दिखाता हूँ, उससे पहले दिखा देता हूँ। देखो, बीकानेरी चरखा है, ये मजबूती बहुत ज़्यादा होती है इसमें, थोड़ा बड़ा होता है साइज में, और इसमें पूरी डोर आती है। ठीक है, तो मुकेश भाई के पास जो होता है ना यार, देखो डोर की गारंटी होती है कि डोर पूरी मिलेगी। और सबसे बड़ी गारंटी जो मुकेश भाई देते हैं वो ये देते हैं कि अगर भाई ये मांझा आपको ना समझ आए, लगे कि बेकार मांझा, खराब मांझा, तो आप ना 3 रील यूज़ करके वापस भी दे सकते हैं। तो ये इतनी गारंटी भी बहुत बड़ी बात है कोई सेलर अगर दे रहा है, क्योंकि सेलर ये गारंटी इसलिए दे पा रहा है कि उसे पता है कि ये मांझा बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी का है। ठीक है, अब मैं इसको खोल के दिखाता हूँ। ये देखो भाई, आ गया ये कलर, काले रंग का मांझा है। आपको सबसे पहले मैं पास से दिखा देता हूँ, मांझे की टेक्सचर देख लो कैसा दिख रहा है मांझा। देखो, मेरे को तो पहली नज़र में ही समझ आ गया था कि बहुत बढ़िया है। ठीक है, 123 की डोर है। ठीक है, 123 का पर्चा भी लगा हुआ है, और मेकर का नंबर वगैरह भी इसमें दे रखा है। ये देखो, ये आ गया मांझा हमारा बाहर। और सबसे अच्छी चीज़ जो मेरे को लगी थी ना भाई, इसमें धार, चढ़ी हुई डोर है, थोड़ी धार वाली बहुत ज़्यादा, मतलब बिल्कुल तलवार की धार जैसी डोर है। 123 पे सूता हुआ है, और गजब सूत रखा है भाई, बहुत मोटा भी नहीं है और धार भी दे रखी है, मतलब गोल धार बोलते ना, पतला भी है और धार भी है। तो आपके जैसे झटके के पेच लगाते हो, खींच के पेच लगाते हो, उन पे तो बहुत अच्छा काम करेगा, और फंस के भी चल जाएगा। तो ये है कि मल्टीपर्पज़ ये मांझा बना हुआ है, बहुत अच्छा काम कर रखा है मेकर ने। तो इसके मैं दिखाता हूँ, छल्ले कहते हैं ना हम, छल्ले, हम तो हर बार छल्ले ही देखते हैं। ये देखो, अभी अपने आप छल्ले चलने लग गए। ये देखो कैसा कड़क तार सा बना हुआ है, और सुताई एक समान सुताई, बिल्कुल बढ़िया। और देखो, अभी भी धार वैसी की वैसी जैसी पहले आई थी। और देखो, शुरू का जो मांझा होता है ना, वो थोड़ा क्वालिटी इसकी ख़राब हो जाती है, और उसके बाद इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी निकलती है। तो लगा लो, अगर शुरू में ही इतनी धार है, तो बाद में तो क्या ही निकलेगा सामान यार। इसमें मांझे में ज़बरदस्त काम कर रखा देखो। तो मैं पसंद करता हूँ ज़्यादातर खींच के लड़ाना और थपकी से लड़ाना, तो भाई उन दोनों के लिए परफेक्ट मांझा है। बाकी प्राइस की बात करें तो प्राइस भाई, बीकानेरी चरखे में ये वाला जो मांझा है, ये है 2000 रुपये का 12 रील। 2000 का 12 रील है, ऊपर से गारंटी है कि भाई पसंद ना आए तो 3 रील यूज करके वापस दे सकते हैं आप, बट पसंद ना आने का कोई रीज़न भी होना चाहिए। ठीक है, बाकी ये मांझा बहुत ही बढ़िया क्वालिटी निकला है। चीज़ और बता देता हूँ, मुकेश भाई जो है ना, अभी होम डिलीवरी वगैरह नहीं करते, ऑल इंडिया डिलीवरी नहीं करते, तो इनकी शॉप जो है सिर्फ दिल्ली वालों के लिए ही बढ़िया है। जो दिल्ली में रहते हैं, जो विजिट कर सकते हैं, इनके पास जाइए। मुकेश भाई का नंबर देखो मैंने स्क्रीन पे लगा रखा है, आप इनसे बात कीजिए, लोकेशन लीजिए, लोकेशन भी मैं डाल दूंगा, बट वो थोड़ा आपको अच्छे से बता पाएंगे।
तो उनसे लोकेशन लेके जाएंगे। तो देखो जैसे चूड़ी वाला ने, तो थोड़ा कंजेस्टेड एरिया है, आपको थोड़ा सा हो सकता है दिक्कत आए वहाँ जाने में, ढूंढने में। बट भाई जो टाइम आप वो उनकी शॉप ढूंढने पे ख़राब करोगे ना, वो बाद में आपको लगेगा कि आपने बहुत अच्छा काम किया जो उनकी शॉप पे चले गए ढूंढ के। थोड़ा टाइम लगेगा बट आपको वहाँ पे जाके जो सामान मिलेगा ना यार, जो मांझे और पतंगे दिखेंगे आपको, आपको मज़ा आ जाएगा। आप कहोगे भाई पैसा वसूल हो गया, कोई दिक्कत नहीं, मैं थोड़ा सा घूमा, कोई बात नहीं, बट आपको चीज़ पसंद ज़रूर आएगी, ये मेरी गारंटी है। दिल्ली में रहते हैं, मुकेश भाई की शॉप पे आज तक नहीं गए हैं, उनका सामान यूज़ नहीं किया, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि एक बार ज़रूर विजिट करें और ज़रूर उनका सामान खरीद कर देखें। इवन खरीदो भी ना यार, आप चेक ही कर लो, आपको चेक करने के बाद ही समझ आ जाएगा कि यार नहीं मेरे को लेना है, ठीक है। तो ये है हमारा मांझा, और मैं दिखा दूँ कौन कौन सी मैं पतंगे लेके आया। तो दोस्तों अगर आप ब्रांडेड और क्वालिटी पतंग के शौकीन हो, अच्छी पतंग उड़ाने के शौकीन हो, तो भाई एक बार मुकेश भाई के पास ज़रूर जाना, बहुत अच्छी अच्छी पतंगे ली मैंने। अब मैं दिखाता हूँ आपको एक एक करके सारी पतंगे कौन कौन सी मैंने ली। तो देखिए दोस्तों सबसे पहली पतंग ये वाली है, आपको देखो आप देख के ही समझ जाओगे कितनी बढ़िया पतंग है। मैंने दूर से ही देख के समझ गया था यार बहुत अच्छी पतंग है। और पहले मैं मेकर दिखा देता हूँ आपको, मेकर कौन है इसके, जो शौकीन लोग तो जानते होंगे सारे नाम, ये हैं मुबीन खान, और उनका नंबर भी देखो इसमें डिस्प्ले कर रखा है इन्होंने स्टैम्प में। तो मुकेश जी इनसे डायरेक्ट मंगवाते हैं मेकर से। तो ये देखो भाई पतंग, पतंग के काफ और ठड्डे ही देखो यार आप, कितने बढ़िया बना रखे, सुईदार ठड्डा देखो, कि जिस भी मेकर ने अगर सुईदार ठड्डा बना रखा ना, तो समझ जाओ उसने बहुत बढ़िया काम किया हुआ। देखो ऊपर से कितना पतला है और धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, और अच्छी सिकाइयाँ और छिलाइयाँ ज़बरदस्त। देखो ये देखो ठड्डा मुड़ा भी नहीं रहता अगर छोड़ो तो। देखो ये इस पर काम किया हुआ है, बहुत ही बढ़िया लोचदार कमान, बिल्कुल सेट बढ़िया और मीडियम कमान है। कि ये पतंग को ना देख के आप, मेरे को तो यार पहले गोल फरमा लगा था, बट ये है मीडियम फरमा, गोल या लंबे के बीच में कुछ फरमा है। और इसमें यही है कि अगर आप इसको पास में लड़ना चाहते हो तो थोड़ा कन्ने पास बांध दो, और अगर दूर लड़ना चाहते हो तो कन्ने थोड़ा दूर बांध दो। इसका मतलब ये है कि ये पतंग ना पास में दूर में दोनों जगह बहुत ज़बरदस्त काम करेगी। मुबीन की पतंग अद्धी पतंग है ये, साइज़ बहुत ज़बरदस्त है, काफ ठड्डा बहुत अच्छा लगा हुआ है, काम बहुत ज़बरदस्त किया हुआ है। आप इसकी फिनिशिंग आप देख सकते हैं, पास से भी देख सकते हैं, और सारे अजंता के कागज हैं, अजंता 4.7 कागज की पतंग है सारी की सारी, ठीक है। तो इसकी मैंने फ़िलहाल तो देखो मेरे को छत के गेम्स के लिए मैंने ली हैं, और मैंने कुछ 20 पतंगें ली हैं, ठीक है। तो ये एक दिखा दी, और दिखाता हूँ देखो दूसरी पतंग मैंने निकाल ली, रेंडमली निकाल रहा हूँ, काफ ठड्डे बिल्कुल सेम क्वालिटी के हैं। देखो देखो फिनिशिंग देखो, चमक रही है पतंग हमारी बहुत बढ़िया। अब दूसरा चौका देखता हूँ, इस चौके में देखो इसमें भी सेम काम, सेम काफ ठड्डा। और इनकी पतंगें यार मोस्टली ऐसी होती हैं, देखो 100 में से ना जो 95 पतंगें हैं सीधी ही निकलेंगी, क्योंकि काम बहुत ज़बरदस्त करते हैं। एक हाथ की पतंग होती है, बहुत ही बढ़िया काम होता है, क्वालिटी के नाम पे नो कॉम्प्रोमाइज़, नायाब बिल्कुल लाजवाब पतंग अद्धी, बिल्कुल प्रॉपर गेम की अद्धी। तो भाई इस अद्धी का रेट बताऊँ तो इस अद्धी का रेट है 14 रुपये, मुबीन की अद्धी 14 रुपये की, और मैंने 20 ली हैं चेक करने के लिए। तो भाई दिल थाम के बैठो, ये जो पौनी पतंग है यार मेरे को बहुत ही प्यारी लगी थी, बहुत अच्छी पतंग लगी थी, क्योंकि इसमें भी देखो जो मैं आपको बता रहा था ना, काफ ठड्डे बहुत ही ज़बरदस्त काम किया हुआ था। और इसको दिखाता हूँ मेकर कौन है, मेकर भी आप पहचान जाएंगे, अगर आप भाई शौकीन लोग हो तो आपको मेकर भी पता ही होंगे वाले, ठीक है, रईस काइट मेकर। तो मुकेश भाई के पास एक क्वालिटी ये है कि उनके पास ना सारी ब्रांडेड ही पतंग मिलती हैं, अच्छी ही पतंग मिलती हैं सारी की सारी, बट रेंज आपको देखनी है कि आपको 20 वाली लेनी है, 22, 25, जो भी आपके हिसाब का है, तो रेंज तो देखो बढ़ती जाती है। तो ये है पतंग रईस की, और इसका काप ठड्डा मैं दिखाता हूँ, देखो इसका भी वैसे ही काप ठड्डा है, मीडियम, मतलब रेंज कोई सा भी, छोटा रेंज लगाओ या लंबा रेंज लगाओ, कन्ने के हिसाब से आप भाई पतंग चला दोगे, और आप अगर पतंग चलाना अच्छे से जानते हो तो भाई आप कमाल कर दोगे इन पतंगों के साथ। और 100 में से मैं बता रहा हूँ 95 पतंग बिल्कुल सेट मिलेंगी। ये देखो एक पतंग मैंने दिखा दी आपको, देखो रेंडमली ऐसे निकाल के देखता हूँ, बिल्कुल ज़बरदस्त काप ठड्डा परफेक्टली चढ़े हुए हैं, देखो फिनिशिंग आप देख लो, बिल्कुल A1 फिनिशिंग है, सारे अजंता कागज हैं। देखो इसकी भी काफ ठड्डा देखो, बिल्कुल सेट चढ़ी हुई है, कमानी ठड्डा, वही सुईदार और वही ब्रांड पतंग, एक
लाजवाब ए क्लास जबरदस्त। तो याली जो पतंग है रईस भाई की, ये मेरे को पड़ी है भाई 22 रुपए की एक पतंग, ठीक है, ये 22 रुपए की एक है, बट क्वालिटी बहुत ही जबरदस्त है, बहुत A1 क्वालिटी। रईस की पतंग के बाद अब आ रहा है नंबर साबरी की पतंग का। मैं आपको पहले दिखा देता हूँ इनका स्टीकर, ठीक है, ये देखो साबरी काइट मेकर। मैंने दूर से देखा तो मैंने कहा भाई यही वाली दे दो, ये कौन सी, देखो ये देखो भाई क्या जबरदस्त काम, देखो आई होप आपको दिख गया होगा नंबर, ठीक है, बहुत क्लियर तो नहीं आ रहा, हाँ अब आ रहा क्लियर। तो ये देखो भाई लंबे काट में, मैंने सारी लंबे काट की पतंगे ली वैसे तो, पर ये थोड़े और ज्यादा लंबा, देखो चील काट सा लग रहा है, हल्का सा चील सा लग रहा है। तो ये देख लो खिंचाइयों के लिए बहुत जबरदस्त पतंग है, जो भाई खींचने वाले ना बंदे वो तो तबाही मचा देंगे इससे। टॉप 30 की क्वालिटी आप देख लो, कमानी देख लो, सेट कमानी बिल्कुल भाई, और ये हाँ हाँ क्या मजेदार कमानी सेट है। फिनिशिंग देखो, फिनिशिंग से ही पता पड़ जाता है यार पतंग क्या चीज है, दूर से देखते ही जैसे होता है ना पतंग से प्यार हो जाता है, ऐसी पतंग है ये। तो ये एक प्लेन कलर था और एक देखो इसमें एक पटियल भी आ गई है, देखो साबरी की पतंग है और आ गई पटियल, पटियल के शौकीनों के लिए बढ़िया चीज आ गई। मेरे को तो देखो सिंगल कलर अच्छा लगता है ज्यादा, बट पटियल भी है तो अच्छी बात है, मेरे पास थोड़ी सी हो जाएगी वैरायटी, ठीक है। और इन पे देखो फिनिशिंग जोड़ों पे भी बहुत अच्छी की है, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी कुछ टाइम तक रखने के लिए पतंग को, मतलब साल दो साल भी आप पतंग रख लोगे तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। काम सारा वही है कमान ठड्डे पे, देखो ठड्डा कैसे चीला हुआ, देखो कहाँ ऊपर कैसे तिल्ली सी बन गई है और नीचे मोटा होता जा रहा है, काम A1। ये देखो मतलब ये यार देखो जब आप पैसा खर्चते हो ना भाई और किसी अच्छी दुकान से लेते हो और अच्छे मेकर की पतंग लेते हो तो आपको 99% श्योरिटी तो ये हो जाती है कि पतंग भाई आपकी सेटअप बिल्कुल बहुत ही बढ़िया है, आपको कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। इसमें पूरी मेहनत की गई है पतंग में और उसी मेहनत का पैसा लिया गया और आपका ये पैसा बेकार नहीं जाएगा क्योंकि चलेगी इतनी ज़बरदस्त हवा में और खींच में तो भाई तबाही मचाई गई है। तो अब भाई इसके बाद दिल थाम के बैठ जाओ, मेरे को तो मेरठ की पतंगें भी बहुत अच्छी लगती हैं, तो उनके पास मेरठ की पतंग भी थी, ये देखो मेरठ की पतंग आ गई, वाह भाई देखते ही मज़ा आ रहा, इसका फरमाई थोड़ा सा डिफरेंट सा है और इनकी यार काम से ही पता चल जाता है, थोड़ा इनके काम ठड्डे थोड़े से देखो जानदार कमानी होती है इनकी मेरठ की पतंगों की, तो बहुत ही बढ़िया लगी थी। हाँ मैंने साबरी की पतंग का आपको रेट नहीं बताई थी, साबरी की पतंग भाई ये भी 25 रुपए की पतंग है, साबरी की पतंग 25 रुपए की है, ठीक है। तो क्वालिटी वाइज भाई पैसा जेन्युइन है क्योंकि आजकल हम जो पतंगें लेते हैं 18 और 20 के फेरे में तो लेते ही हैं, बट थोड़ा सा पैसा डाल के बहुत अच्छी पतंग मिल रही है हमें, तो जो बहुत शौकीन है वो ले सकते हैं और नो डाउट क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है सबसे। तो हमारी आ गई है मेरठ की पतंग और मेरठ की, इसमें मेकर का नाम नहीं दिख रहा अभी, बट मैं आपको फिलहाल इसका ओवरव्यू दे देता हूँ कैसी पतंग है। एकदम जानदार पतंग, कमान ठड्डा फर्स्ट क्लास सेट, देखो कमानी थोड़ी हैवी है इसकी, मेरे से शायद उड़ भी ना पाए इतनी भारी पतंग, बट ये कि मज़ा आएगा भाई जब उड़ेगी तो, जब ये हवा में जाएगी तो मज़ा आ जाएगा। और ये हैं सारी, मैं सिर्फ 4 पतंग लेके आया हूँ इसकी सिर्फ शौक के लिए कि मैं भाई देख लूँगा अपने पास रख लूँगा। ये देखो सबका काम एक जैसा, कमान ठड्डे जबरदस्त हैवी मज़ेदार फर्स्ट क्लास, इसका रंग रूप देखो सब कुछ बहुत बढ़िया है। और ये सारी हैं मेरठ KGF मेरठ की पतंगें, आप ठड्डा देखो कमान देखो, देखो परफेक्टली सेट, कोई दिक्कत ही नहीं, आपको बस कन्ना बांधना है और उड़ा देना है इन पतंगों पे, तो भाई आप ना आँख बंद करके भरोसा करके उड़ा सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं। तो दोस्तों ये वाली पतंग मेरठ की जो ये है इसका रेट भी है 25 रुपये, ये भी लंबाई काट है कुछ पर कुछ चौड़ा सा, देखो चौड़ा सीना होता है मेरठ की पतंगों का, तो चौड़ा देखो ये कितनी चौड़ी सी लग रही है, बट ये की क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है। तो मैं यही कहूँगा कि मुकेश भाई के पास जाके यार आज तो मज़ा आ गया, बहुत अच्छी अच्छी पतंगें और मांझा लिया हमने, और आई एम वेरी श्योर कि मैं उनसे बहुत जल्दी भी और सामान भी लूँगा, पतंगें तो मैं बेशक जाके लूँगा बहुत जल्दी। और उनके पास भाई देखो सद्दी भी थी, ओसवाल की सद्दी 330 रुपये का, उसका आधे किलो का कौन था उनके पास, और पतंग की टेप भी थी, डिज़ाइनर चरखियाँ भी थी, मतलब वैसे देखो बेसिकली सारी चीज़ें पतंग से रिलेटेड सारी चीज़ें उनके पास हैं। बट आप एक बार बस उनको कॉल कर लो, क्या क्या अवेलेबिलिटी देख लो,
क्या प्राइस रेंज है देख लो, और उसके बाद भाई लोकेशन लेके पहुंच जाओ। इवन लोकेशन मैंने आपके लिए डिस्क्रिप्शन में भी डाली हुई, ठीक है। तो दोस्तों ये वाला वीडियो यहीं तक रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग काइट क्रेजी जोन।